जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है पीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की जो आप लोग की वैकेंसी 300 प्लस वैकेंसी यहां पे, एससीएम की वैकेंसी यहां पे ज्यादा है लेकिन एएसआई स्टेनो की वैकेंसी 11 वैकेंसी कम है। बट बच्चों ने यहां पे फॉर्म अप्लाई किया है एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों ही पोस्टों के लिए। तो देखिए आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम की जानकारी आप लोग के पास होगी। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होने वाला है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम ही अभी आप लोग का होगा। रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद आप लोग का फिजिकल और टाइपिंग और मेडिकल वगैरह आप लोग का होगा सेकेंड स्टेप के अंदर। तो अभी आप लोग पूरा फोकस रिटर्न एग्जाम पे ही कीजिए। रिटर्न एग्जाम की जानकारी भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, रिटर्न एग्जाम का क्या सिलेबस है, किस किस तरीके से आप लोग को तैयारी करनी है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम में आप लोग के 5 पार्ट हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। जीके नहीं आती है, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश में से आप लोग का एक सब्जेक्ट, क्लरिकल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और इसके अलावा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं यदि आप लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। तो प्लानिंग के साथ ही आप लोग तैयारी कीजिए। रिटर्न एग्जाम के डेट की इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। जी हाँ, काफी समय पहले ही मैंने आप लोग को इसकी जानकारी दे दी है। पीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो आप लोग का रिटर्न एग्जाम 27, जी हाँ 27 नवंबर की डेट यहाँ पे निकल के आ रही है। एक नोटिस के माध्यम से ही मैंने आप लोग को जानकारी दी थी जिसमें कि बीएसएफ आरओआरएम और बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों के रिटर्न एग्जाम की डेट दी गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग क्लियर कर दूं, अभी भी बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में हो सकते हैं लेकिन जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, इसमें बिलीव करते हैं, मान के चलिए वो किसी प्रकार के कंफ्यूजन में नहीं है। उन्हें पता है सर ने जो जानकारी दी है, नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है और रियल जानकारी ही प्रोवाइड करते हैं। आने वाले समय में कोई चेंजेस होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी सर ही प्रोवाइड कराएंगे। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम को लेकर के आप लोग किसी भी शंका में मत रहिए और इसके अलावा रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट मार्केट में आए हुए हैं, 20 प्रैक्टिस सेट आप लोग को दिए हुए हैं, अच्छे प्रैक्टिस सेट हैं, पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है। रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, क्लरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग कीजिए और प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही कीजिए। और 27 नवंबर की डेट मैंने जो आप लोग को बताई है वो अभी तक फिक्स है। यदि आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। देखिए, प्रॉब्लम्स कभी भी हो जाती हैं, डिपार्टमेंट हैं, 50 काम होते हैं, सेंटर्स लिए जाते हैं, सेंटर्स वगैरह में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसके लिए डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आप लोग को पता होना चाहिए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 की जो रिक्रूटमेंट, जिसके कि रिटर्न एग्जाम नवंबर 6 से स्टार्ट होने थे, वो नहीं हो सके, बिल्कुल एंड मौके पे आके उसे पोस्टपोन करना पड़ा सेंटरों को लेकर के। तो अभी आप लोग टेंशन में नहीं रहेंगे, 27 नवंबर की डेट अभी तक फिक्स है, उसको मानते हुए आप लोग बिल्कुल प्लानिंग, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए। समय बहुत ही कम है, बहुत ही जल्द आप लोग को कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा किस तरीके से आप लोग तैयारी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा नंबर आप लोग ला सकें। 6 लाख प्लस कैंडिडेट हैं रिटर्न एग्जाम में बैठने के लिए, लेकिन बैठने वाले कैंडिडेट की संख्या 5 लाख प्लस ही आप लोग को देखने को मिलेगी। प्रीवियस कट ऑफ की जानकारी भी दी हुई है, वीडियो देखिए, आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी इसकी जानकारी के लिए भी एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात यह आ रही है कि सर एडमिट कार्ड कब होंगे। देखिए, यदि 27 नवंबर, जी हाँ कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर एडमिट कार्ड कब तक आएंगे। देखिए, 27 नवंबर 2022 की डेट आप लोग को बताई गई तो आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें पूछने वाली चीज नहीं है। 10 से 12 दिन पहले ही आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि 27 नवंबर की डेट है तो आप लोग 10 दिन माइनस करके चलिए यहाँ पे, यानी कि 17 तारीख मैक्सिमम 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आप लोग के एडमिट कार्ड यहाँ पे देखने को मिलने चाहिए। अब आप लोग ऐसा कहें कि नवंबर 1 में देख नवंबर 1 को 2 को, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एक समय पीरियड तय किया जाता है तो 10 से 12 दिन पहले ही आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे।
फिर चाहे वो आप लोग को 15 नवंबर या 15 नवंबर के बाद आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिले। तो किसी प्रकार की टेंशन ना लें आप लोग, जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं उसकी जानकारी भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। यदि आप लोग को एडमिट कार्ड की जानकारी लग जाती है, मीन्स बच्चे लगे रहते हैं लैपटॉप पे, यदि ऐसा कुछ होता है कि सर एडमिट कार्ड आ गए, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा ताकि मैं और बच्चों के लिए एडमिट कार्ड की वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो तैयारी कीजिए 27 नवंबर। जी हाँ, नवंबर का मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम से 10 से 12 दिन पहले आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, मिलना चाहिए। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से ब्रेक यदि चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर बताइए। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।